हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? सो उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने फ़ोन पे के वॉलेट को एक्टिवेट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप फ़ोन पे को यूज करते हैं और अभी तक आप फ़ोन पे के वॉलेट को एक्टिवेट नहीं किए हैं तो आप बहुत सारा कैशबैक मिस कर रहे हैं, बहुत सारा ऑफर को मिस कर रहे हैं। आपको फ़ोन अगर फ़ोन पे आप चलाते हैं तो आपको फ़ोन पे वॉलेट को एक्टिवेट ज़रूर करना चाहिए। और फ़ोन पे वॉलेट को कैसे एक्टिवेट किया जाता है, कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लगता है और कौन सा क्या क्या क्राइटेरिया है, मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। और क्या क्या फ़ोन पे वॉलेट को एक्टिवेट करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, क्या क्या ऑफ़र मिलता है, मैं सारी बात इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, फ़ोन पे को प्ले स्टोर में जाकर अपडेट कर लेना है। अपडेट वहाँ पर अगर अपडेट मांग रहा है आपका तो वहाँ पर जाके अपडेट कर लेना है। तो सब सिंपली आपको प्ले स्टोर में जाकर अपडेट करना है। अपडेट करने के बाद आपको सिंपली ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर मैं एक बात बता देता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जब भी मैं इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो डालूँ आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा फ़ोन पे ओपन करने के बाद। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे चार ऑप्शन होगा, टू मोबाइल नंबर, टू बैंक UPI ID, टू सेल्फ अकाउंट, चेक बैलेंस। तो आपको सिंपली क्या करना है, चेक बैलेंस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, चेक बैलेंस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका जो भी यहाँ पर एक बैंक अकाउंट ऐड होगा वहाँ पे शो करेगा। UPI बैंक अकाउंट यहाँ पे दिखा रहा है आपका, जो बैंक ऑफ इंडिया का मेरा है तो यहाँ पे शो कर रहा है। अब नीचे में देखिए एक वॉलेट का ऑप्शन होगा, वॉलेट में लिखा हो फोन पे वॉलेट, तो सिंपली यहाँ पे एक एरो होगा, यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एरो पे क्लिक करेंगे कुछ देर प्रोसेसिंग लेगा, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा दिखा रहा है लो बैलेंस। तो मेरा यहाँ पर अभी तक फ़ोन पे वॉलेट एक्टिवेट नहीं है। एक्टिवेट करने के लिए क्या मांगा जा रहा है, यहाँ पर पैन कार्ड डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पर पैन कार्ड से ही करूँगा। तो आप देख सकते हैं पैन कार्ड में यहाँ पे मांग रहा है, अगर पैन कार्ड सिर्फ पैन कार्ड डालना है, कोई भी डॉक्यूमेंट, सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट देना है दोस्तों, और वो आपको सिर्फ देना है पैन कार्ड। तो पैन कार्ड का यहाँ पे आपको सिंपली नंबर दे देना है। नंबर देने के बाद यहाँ पे होल्डर नेम, मतलब कि पैन कार्ड किसका है, उसमें जो नाम है वो नाम पूरा यहाँ पे डालना है। ऐसा नहीं कि वहाँ पर कुछ और नाम है और आपका सर्टिफिकेट में कुछ और नाम है, तो ऐसा कुछ नहीं। मान लीजिए जो भी आपके पैन कार्ड में नंबर है और जो भी पैन कार्ड में नाम है वही नाम आपको यहाँ पे डाल देना है। डालने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए एक सबमिट का ऑप्शन है नीचे में, सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ आपका यहाँ पर फ़ोन पे वॉलेट एक्टिवेट हो जाएगा। अब यहाँ पर जान लेते हैं कि फ़ोन पे वॉलेट को एक्टिवेट करने से क्या क्या फ़ायदा मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि मान लीजिए कोई भी ऑफ़र, जैसे मान लीजिए यहाँ पे गेट लिख रहा है ना, गेट फ्लैट 10% कैशबैक, तो आपको यहाँ पर देखिए एक यहाँ पे आता होगा, एक यहाँ पे कैशबैक आता होगा। तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए, छोड़िए वो सबको, मैं आपको बता देता हूँ कि सिंपली यहाँ पर जो भी कैशबैक आपको फ़ोन पे से मिलेगा वो आपके फ़ोन पे के वॉलेट में आ जाएगा। अगर आपका फ़ोन पे वॉलेट एक्टिवेट ही नहीं रहेगा तो आपके फ़ोन पे वॉलेट में कैशबैक कहाँ से आएगा। तो आपको सिंपली वहाँ पर फ़ोन पे वॉलेट को एक्टिवेट कर लेना, और कोई भी घबराने की बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि फ़ोन पे ट्रस्टेड ऐप है और आप यहाँ पर अपने पैन कार्ड को नंबर और पैन कार्ड में जो भी नाम है आपका वो नाम डालकर सबमिट कर आप फ़ोन पे वॉलेट को एक्टिवेट कर सकते हैं। आपको बेहिजक कुछ भी सोचना नहीं है, कर देना है। ठीक है, और करने के बाद आप अगर करते हैं तो आपको फ़ोन पे वॉलेट को एक्टिवेट होने के बाद जो भी कैशबैक मिलेगा आपके फ़ोन पे वॉलेट में आ जाएगा, और उस फोन पे वॉलेट को आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। जैसे दुकान में कोई शॉप में कोई सामान लिए तो उसको आप वॉलेट में जो भी पैसा है आपका, मान लीजिए 100 रुपया है, तो अगर मान लीजिए 80 रुपया आपका दुकान में कुछ सामान लिए तो उस 80 रुपये, मान लीजिए 100 रुपये में 80 रुपया उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आपको अकाउंट से पैसा नहीं कटेगा, वो जो आपको कैशबैक मिलेगा उसी से वॉलेट से ही कट जाएगा। ये फ़ायदा होता है दोस्तों। अब मैं अगली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप अपने फ़ोन पे वॉलेट में 20 रुपये का इंस्टेंट कैशबैक मिलेगा और उस कैशबैक को आप कैसे यूज कर सकते। उस वीडियो को देखने से पहले आपको ये वीडियो देखना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताया हूँ कि फ़ोन पे वॉलेट को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर आप एक्टिवेट ही नहीं करेंगे तो आपको जो भी कैशबैक मिलेगा वो आपको शो नहीं करेगा। तो आपको सबसे पहले ये वीडियो देख लेना है, वीडियो के देखने के बाद आपको फ़ोन पे एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के बाद आपको जो मैं अगला वीडियो डालने वाला हूँ, कल डालने वाला हूँ, उसको आप देखेंगे और 20 रुपये इंस्टेंट आपको कैशबैक मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को नए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जब भी मैं इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो डालूं आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।